में हॉकी खेलते हुए फर्स्ट टाइम जब मुझे स्टिक लगी थी तो कुछ ऐसी आवाज आई थी, देन आई सडनली डिस्कवर्ड द रिलेशन बिटवीन म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, और मैं आज साबित करके दिखाऊंगा कि सच में कोई रिलेशन है। मेरे पास 3 क्यू कार्ड्स हैं और मैं ऑडियंस में फिर से आने वाला हूं, और वो क्यू कार्ड को देखकर जो तस्वीर उसमें बनी है आपको गाना गाना है। ओके, सुब्रत जी कह रहे हैं कि सुनील गावस्कर साहब से कुछ पूछना चाहिए, लेकिन सुनील गावस्कर जी बोल रहे नहीं, सचिन तेंदुलकर साहब से कुछ पूछना चाहिए। मेरे पीछे वाले रो में सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट बैठे हैं। सचिन जी बोल रहे हैं कि पीछे सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट बैठे हैं, द बैक बेंचर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम सचिन जी के और सुनील जी के पीछे बैठे हैं। कंग्रेचुलेशन सबसे पहले। थैंक यू। आपकी शादी हुई। थैंक्स अ लॉट। हमको बहुत अच्छा लगा, लड़कियों को बहुत बुरा लगा। देखिए ये टेलीवाइज होने वाला है तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, वाइफ भी देखेगी। महेंद्र सिंह धोनी जी, 3 क्यू कार्ड्स हैं, इनमें से एक को आपको चुनना है। बीच वाला। ओके, बीच वाला। देखिए इसमें तस्वीर किन की है, वन एंड ओनली ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन के लिए महेंद्र सिंह धोनी कौन सा गाना गाएंगे? चेक इट आउट। क्या आपके जहन में क्या गाना आ रहा है अभी? तो कुछ नहीं आ रहा है। ये सहवाग जी ने कुछ बोला अभी, प्रॉम्प्ट किया, क्या आप कौन सा गाना चाहते हैं? हाँ, धोनी जी की तरफ से है, तेरे मस्त मस्त धोनैन। ओसामा बिन लादेन की आंखों पर पहली बार किसी ने ये बोला होगा, तेरे मस्त मस्त धोनैन। कमाल है, धोनी जी गा दीजिए अब। हम गाएंगे, तेरे मस्त मस्त धोनैन बुश का चुरा गए चैन। जोरदार तालियां महेंद्र सिंह धोनी के लिए। अगले पर चलते हैं, सुरेश रैना। रैना तू है जैसा तू। सुरेश रैना जिसे पूछते हैं, 3 क्यू कार्ड मेरे पास है, इनको फिर से एक चुनना है। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय के लिए कौन सा गाना गाना चाहेंगे सुरेश रैना? देखते हैं। मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, लेकिन मुझसे यूं खफा खफा ना रहो। ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। सुरेश रैना जी सिंगर भी हैं, तो ये तो सरप्राइज हुआ यार। आपने किसी को पता है आसपास टीम में? सर गा लेते कभी कभी, लेकिन आसपास टीम मेंबर से पूछते हैं। ये पहले श्रीशांत से पूछते हैं। श्रीशांत जी आप डांस तो खड़े हो जाइए। ऐसा कभी हुआ है कि सुरेश रैना ने गाना गाया और आपने डांस किया हो? नहीं नहीं, सुरेश हमेशा गाता रहता है। आप भी तो हमेशा नाचते रहते हो। सबको पता है नाचते हैं कि नहीं श्रीशांत? श्रीशांत हमेशा नाचते रहते हैं। आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड इज विटनेस दैट। थैंक्स श्री। अब एक ही कार्ड मेरे पास बचा है। बैक टू द कैप्टन नाउ। धोनी साहब और किससे पूछे? लास्ट क्यू कार्ड पड़ा मेरे पास। नहीं, जब भी क्रिकेट और क्रिकेटर्स की बात होती है तो पाजी का नाम आता है, तो शुड ऑलवेज एंड इट विद। आई थिंक वी स्टार्टेड फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, वी आर बैक विद सचिन तेंदुलकर। सचिन पाजी, ये लास्ट क्यू कार्ड है, आप चुन भी नहीं सकते। आप देखिए किसकी फोटो है इसके पीछे। बॉबी डार्लिंग। इंडियन टेलीविजन, बॉबी डार्लिंग के लिए कौन सा गीत प्रस्तुत करेंगे हमारे लेजेंड सचिन तेंदुलकर? कैन समबडी रेकमेंड समथिंग और समबडी हेल्प मी आउट हियर? इज देयर एनीवन हु कैन हेल्प मी? ये कुछ ऐसा है। अच्छा हां जी, उससे पहले यूवी पाजी। हां हां, मादल आड़ला गाए। तुसी गा दो फिर। मैं नहीं गाऊंगा। गा दो जी। यूवी पाजी गा दो ना। को बोलो जाके। आप गाएंगे सचिन जी मादा लाडला? यूवी पाजी गा दो यार। मैं नहीं बिगड़ा हुआ, मेरी माँ पीछे बैठी है, उनको बोलो यार। यूवी पाजी एक लाइन तक गानी है। मादा लाडला बिगड़ गया। हाउ स्वीट। यूवी पाजी के लिए जोरदार तालियां। एंड फ्रॉम नाउ, फ्रॉम वन लेजेंड टू द अदर, शाहरुख खान साहब आने वाले हैं हमारे सामने। देखते हैं किन के साथ हैं वो।